आज बड़ी कितनी डील मनाया जा रहा है, इस बीच डी आई एम आपने आज आयोजन किया है, किस चीज़ का आयोजन है, किस तरह फिलहाल फीडबैक मिल रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित खंडेलवाल है। मैं बिरला हॉस्पिटल में पिछले 3 साल से नेफ्रोलॉजी की सेवाएं दे रहा हूं। नेफ्रोलॉजी मतलब किडनी डिजीजेस, किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारी जिसका हम लोग यहां पे इलाज करते हैं। हमारा एक कम्बाइंड डिपार्टमेंट है नेफ्रोलॉजी यूरोलॉजी का। नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट मैं देखता हूँ, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर दीपांशु शर्मा देखते हैं। वर्ल्ड किडनी डे हर साल 2nd Thursday जो मार्च का होता है उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। ये 2006 से इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी है और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन है, उनके संयुक्त एसोसिएशन से, उनके कंबाइंड एसोसिएशन से ये वर्ल्ड किडनी डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। उनका पर्पस ये था कि किडनी डिजीज़ जो कि हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उसके बारे में लोगों को एजुकेट कर सकें, जो कारण हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, जो और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, खासकर जो पेन किलर्स हो गए, स्टोन डिजीज़ हो गई, और भी बहुत सारे कॉजेज जैसे कि कैंसर हो गए, तो हर चीज़ के बारे में, किडनी डिजीज़ के बारे में स्पेसिफिकली आम जनता में इसकी अवेयरनेस फैलाई जाए, क्योंकि ये बढ़ बहुत ज़्यादा रहे हैं और डायलिसिस सेंटर भी अब तादाद में काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और किडनी के पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसलिए इसके बारे में लोगों को बताना कि कैसे इस बीमारी से बचा जाए, खासकर जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है उससे कैसे बचा जाए, उसके लिए हर साल हम इसको 2nd Thursday of March में इसको सेलिब्रेट करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांशु शर्मा, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट बिरला हॉस्पिटल। मैं ये बताना चाहूँगा कि किडनी की अधिकतर बीमारियाँ जो हैं, जिनकी वजह से किडनी ख़राब होती है, उनका इलाज संभव है। ज़रूरत अगर है तो मरीज़ के जागरूक होने की, मरीज़ अपनी बीमारी को जल्दी समझे, जल्दी डॉक्टर के पास जाए और उसका इलाज कराए, जिसमें कि मुख्य बीमारियां जो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जिनकी हम इतनी बात कर चुके हैं, उनके बारे में थोड़ा सा सजग रहे। अगर डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन हो तो उसका जल्दी इलाज ले, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाए, अच्छे से खाए पिए, समय पर सोए, अच्छे से पानी पिए। और इसके अलावा कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जैसे स्टोन, जिसके बारे में भ्रांति ये है कि सब तरह के स्टोन निकाल दिए जा सकते हैं देसी दवा से, जो कि संभव हो नहीं पाता है, और अधिकतर किडनियाँ इसी वजह से ख़राब होती हैं, अगर स्टोन की वजह से होती हैं। तो उसमें मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर किसी मरीज़ को पथरी की दिक्कत हो गई है तो उसको समय रहते अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसको जानना चाहिए कि क्या यह संभव है, यह पथरी दवा के माध्यम से निकलेगी या ऑपरेशन के माध्यम से। पिछले 3 वर्षों में हम लगभग 5,000 किडनियों के ऑपरेशन कर चुके हैं और इन किडनियों को बचा चुके हैं। इसी तरह से डॉक्टर रोहित जो हमारे हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट हेड करते हैं, वो महीने के 100 डायलिसिस करते हैं, ऐसे मरीजों की किडनियां सही करते हैं और उनकी जान बचाते हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी तरह की अगर दिक्कत हो तो मरीज़ उसमें जागरूक रहे, समय रहते अपने डॉक्टर से मिले और उसका उचित इलाज ले, जिससे कि उन किडनियों को बचाया जा सके। हमारा राजाराम ओझा है। तो आज आए हो किडनी डे पर, यहाँ पर धन्यवाद देने आए हो डॉक्टर साहब को? हाँ, डॉक्टर साहब को, दीपांशु शर्मा को धन्यवाद देने आए हैं। क्या बीमारी थी आपको? हमारा ब्लैडर में कैंसर था, पेशाब के ब्लैडर में। फिर हमारा इलाज किया इन्होंने, 1.5 साल से इलाज चालू रहा, और यहाँ ग्वालियर में जब हमारा कैंसर पेट में फैलने लगा तो सभी डॉक्टरों ने मना कर दी कि इसका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा। तो दीपांशु शर्मा ने हमारा पूरा पेट का ऑपरेशन किया और पेशाब का ब्लैडर बाहर निकाल दिया और पेशाब पेट से चालू कर दी। ये हमारा सीन है। हाँ, दीपांशु शर्मा ने हमारा, अब हम बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हैं। पहले उम्मीद सब डॉक्टरों ने मना कर दिया था, हाथ उठा दिया था कि इसका इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा, मगर दीपांशु शर्मा ने हमारा भरपूर काम किया, इलाज किया है, और धन्यवाद डॉक्टर को कि उन्होंने हमारा जीवन बचा लिया। ममता मुरैना से। मैम, आज आप धन्यवाद दे रही हैं डॉक्टर साहब को, तो हाँ, क्या बात है, क्या पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हैं? क्या दिक्कत थी आपको? डायबिटीज में दिक्कत थी, जो किडनी वगैरह में दिक्कत थी। तो ऑपरेशन हुआ था? नहीं, मेरा ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन के ठीक, नहीं ऑपरेशन से इन्हें ठीक किया था। पहले डर गई थी आप? हाँ, मुरैना में विवेक डॉक्टर साहब थे, उन पर इलाज चला था 3 दिन, वहाँ बेहोश थी, यहाँ इन्हें ग्वालियर में आके मेरे इन्हें ठीक कर दिया था। तो किसने आपको बताया कि BIMR में जाइए, और क्या आपको पहले से पता? ये तो मेरे के देवर वगैरह हैं, हस्बैंड वगैरह हैं, इनने यहाँ के डॉक्टर साहब, अब वो है नागिन डॉक्टर साहब हैं, उनने ये डॉक्टर साहब बताए थे, तो यहाँ पर रोहित खंडेलवाल जी। हाँ, अब ठीक है? इनने ठीक किया था मेरे को, मैं बचा लिया था इन्हें।